दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लिम्फेडिमा पार्ट टू वीडियो बता रही हूँ कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो कि हाथ और पैरों में करानी है, जो कि सूजन लंबे टाइम तक के लिए, ऐसे मरीज जब बैठे रहते हैं और उनके हाथ पैरों में सूजन होती है, तो उसे हमें कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं उनको करानी है और कौन कौन सी बेसिक टेक्निक्स हैं जिसको आप फॉलो अप करके ऐसे मरीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, लिम्फेडिमा है वो क्या है कि लिम्फेटिक फ्लूइड का एक्युमुलेशन है। लिम्फेटिक फ्लूइड का जो हाथ पैरों में इकट्ठा होना है, जिसके कारण कि हमें सूजन देखने के लिए मिलती है, लालीपन है, भारीपन है, सेंसरी और मोटार लॉस है, तो वैसे मरीज को हमें अपर लिम में, मीन्स हाथ पैरों में कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करानी है। तो सबसे पहले मैं अपर लिम की एक्सरसाइजेस बताऊंगी, कौन कौन सी बेस्ट 6 एक्सरसाइज हैं जो आपको अपर लिम में करानी है। सबसे पहले आपकी प्रॉक्सिमल पार्ट से शुरू करना है, उंगलियों से शुरू करना है। तो उंगलियों को इस तरीके से मुट्ठी बनाना है और खोलना है। इस तरीके से आपको 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ कंप्लीट करना है। दिस वन इज़ फर्स्ट एक्सरसाइज, ओपन अप एंड मेक अ फीस्ट, मुट्ठी बनाना है इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दिस वन इज़ फर्स्ट एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में हमें रिस्ट को रोटेट करना है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कलाई को घुमाना है इस तरीके से, 1 2 इस तरीके से 1 to 10 रिपीटेशन के साथ। एंड देन अभी हम अप डाउन कर रहे हैं, अब हमें रोटेशन करना है। रोटेशन इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन और उसके बाद फिर घड़ी के जो उल्टी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से हमें रोटेट करना है। अब हमें कोहनी की एक्सरसाइज करनी है कि अपने एल्बो को फ्लेक्स करना है, फिर सीधा करना है इस तरीके से, 1 से 10 गिनती के साथ। अब हमें कंधे की एक्सरसाइज करनी है, 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ इस तरीके से। कंधे को पहले सीधा घुमाना है, फिर उल्टा घुमाना है और लास्ट वन इज़ अपने हाथों को इस तरीके से स्ट्रेट रखना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है। इसी पोजीशन में हमें थोड़ी देर होल्ड करके रखना है। इससे क्या होता है, आपको एंटी ग्रेविटी मसल्स काम करती है और जो आपका सूजन है वो काफ़ी हद तक, मतलब रिलीज़ होता है, हल्का हो जाता है, आपके जॉइंट्स काफ़ी हल्के हो जाते हैं। इसी पोजीशन में आपको धीरे धीरे इस तरीके से पंपिंग एक्शन करते हुए नीचे की तरफ लेके आना है। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्टिव 6 एक्सरसाइजेस फॉर लिम्फेडिमा पेशेंट, जिनको कि हाथ पैरों में सूजन बनी रहती है। तो इस तरीके की एक्सरसाइजेस करानी है। आप अपनी पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से उसकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी और नंबर्स को बढ़ा और घटा सकते हैं। अगर मरीज़ ICU में है, बहुत लंबे टाइम तक के लिए एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो आप 1 से 5 गिनती के साथ भी करा सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि लोअर लिम की कौन कौन सी, पैरों की कौन कौन सी एक्सरसाइजेस है, जो कि मैं खड़े होकर बता रही हूँ। अगर मरीज़ आपका खड़ा नहीं हो सकता तो आप इसको बिठा के या फिर लेटा के भी करा सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ही, पंजे को इस तरीके से चलाना है अपनी तरफ, बाहर की तरफ, 1 से 10। उसके बाद इस तरीके से क्लॉकवाइज गोल गोल घुमाना है, उसके बाद उल्टे डायरेक्शन में घुमाना है। ये हमारा दूसरा एक्सरसाइज है। तीसरे एक्सरसाइज में इस तरीके से घुटने को मोड़ना है और सीधा करना है 1 से 10 गिनती के साथ। अब क्या है, अपने कूल्हे को सामने की तरफ और फिर पीछे की तरफ लेके आना है। ये भी हमें 1 से 10 गिनती के साथ कंप्लीट करना है। फर्स्ट राइट साइड का करना है, दाएं पैर का, देन हमें बाएं पैर का करना है, फिर वापस लेके आना है, फिर से, फिर वापस लेके आना है। ये भी हमें 1 से 10 गिनती के साथ करनी है। लास्ट एक्सरसाइज में अपने एड़ी से अपने बैक तक लेके जाने की कोशिश करनी है, इस तरीके से सटाने का कोशिश करना है पैरों को, और इसी पोजीशन में हमें होल्ड करके रखना है। 1 से 10 गिनती गिननी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस फिर से हमें करना है। लास्ट एक्सरसाइज में हमें सर्कुलर डायरेक्शन में पैरों को इस तरीके से गोल गोल घुमाना है। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है लोअर लिम के लिए। राइट साइड करना है एंड देन फिर लेफ्ट साइड कराना है।
अगर पेशेंट कंफर्टेबल नहीं है स्टैंडिंग पोजीशन में, तो ये सारी एक्सरसाइज को आप बैठा के या फिर मरीज को लेटा के भी करा सकते हैं। तो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज कौन कौन से हमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट को फॉलो करना है, जैसे कि हमें टाइट क्लोदिंग नहीं करनी। ऐसे मरीज जिनको कि लिम्फेडिमा है, उनके पैरों में जो एलिफेंटियासिस है, सूजन है, लालीपन है, तो हमें लाइट वेट कपड़े पहनाने हैं, टाइट कपड़े नहीं पहनाने। नेक्स्ट वन इज़ हमें हॉट पैड, अगर मरीज़ आपके पास आता है तो हमें गर्म कोई भी सिकाई नहीं करनी, उससे आपके इन्फ्लेमेटरी कंडीशन और बढ़ेंगे। थर्ड वन इज़ कंप्रेसिव, जो आपको बहुत देर तक पैर लटका के नहीं बैठना। अगर उनका प्रोफेशन सिटिंग या स्टैंडिंग का है तो उनके पॉस्चर पे मैनेजमेंट पे हमें ध्यान देनी है। नेक्स्ट वन इज़ ऐसे मरीज़ को इंजेक्शन नहीं लगाना, इससे आपकी इन्फेक्शन की टेंडेंसी और बढ़ सकती है। फोर्थ वन इज़ जो कि डे टू डे एक्टिविटी विग्रस है, उसको लाइट करना है और एक्सरसाइज भी बहुत जेंटली और धीरे धीरे स्टार्ट करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि हमें ऐसे मरीज़ में न्यूमेटिक कंप्रेसिव थेरेपी, जिसको मसाज थेरेपी, लिम्फेटिक ड्रेनेज जो कि ब्लॉकेज हो गया है, उसको ड्रेन करने के लिए, उसको साफ़ करने के लिए हम लोगों को मसाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसमें मरीज़ को कराना है। तो कौन कौन सी जो बेस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो सब हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके साथ आप लेज़र थेरेपी या फिर और भी बहुत सारी फिजियोथेरेपी टेपिंग टेक्निक है, उसको आप फॉलो करके ऐसे मरीज़ को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। ऐसे मरीज़ के लिए हम लोग कंप्रेसिव बैंडेजेस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके स्वेलिंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हो पाया होगा। अगर लिम्फेडिमा से रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि अपने आने वाली वीडियोज़ में उसको डिस्कस करके उसको क्लियर करूँ। आई होप यू इन्जॉय माई वीडियो। थैंक यू।